बाद में पुलवामा हुआ, आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। हे नमस्कार दोस्तों, आपके लिए फिर पाकिस्तानी मीडिया का एक नया वीडियो आया जिसमें फिज़ा अकबर खान ने इनवाइट किया है अरविंद सरन को। अरविंद सरन को आप जानते होंगे, इनका एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिज़ा खान को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। पता है आपको किस तरीके की वो जर्नलिस्ट है और कैसी बातें करती है, और इसके पैनलिस्ट भी उसी तरीके के होते हैं। ये बस इनके पास तीन चार बातें इनके पास रटी हुई हैं, आरएसएस ये वो ये, वही बातें ये रिपीट करते रहते हैं। हालांकि इनको आईना भी दिखाओ तो ये उस बात को भी इतने अजीब तरीके से डिफेंड करते हैं कि आपको मतलब सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगेगा किस तरीके से ये डिफेंड करते हैं। फिर ये बोलने लगेंगे कि आप अमन की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बार बार अमन की पेशकश की, हम बार बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम मसला कश्मीर को भी टेबल पर बैठ के हल करना चाहते हैं। अमन से कौन दूर भागता है? इंतजार पसंद कौन है? इतनी गर्म दिमाग गर्म सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकम्मल देने दें आप प्लीज। तो जी, आपने जी, कह दिया जी, कि मोदी साहब नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती, हिंदुस्तान की तारीख उससे पहले की भी है, 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान है। अतर काजमी साहब अभी कह रहे थे कि जी ये रिजीम चेंज की जरूरत है और ये रिजीम से बात नहीं हो सकती। फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहाँ पे हुर्रियत के जो लीडर्स हो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। सैयद अली गिलानी को मोदी साहब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फौरी तौर पर, उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था उससे पहले, उन्होंने अपने दो एमिसरीज भेजे बातचीत के लिए और उनसे ये कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए बैठें। ये मोदी साहब का जेस्चर तब है कि जब उन्होंने ओथ भी नहीं ली है अपनी। तो गिलानी साहब बकौल उनके वो खुद कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो इसलिए कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है, जैसा कि आपके अभी जो मेहमान थे अतर काजमी साहब वो कह रहे थे, वो कहते हैं वो उनका ताल्लुक आरएसएस से है इसलिए मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कितनी अजीब बात है, वो इंसान जिसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से हो उसे इस बात पर एतराज है कि सामने वाला आरएसएस से है, ये क्या बात हुई? देखें जी, आपको मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा। आज बदकिस्मती से जो वक्त है वो मैं समझता हूँ कि मेरे देखने में इतना बुरा वक्त तो कारगिल वॉर के दौरान भी नहीं था। मैं चाहता हूं कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग में कोई इंटेंट हो, इशू बेस्ड हो और वो मीनिंगफुल हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग की पेशकश है उनमें ये तीनों चीजें हैं। ये मैं मुझे 10 सेकंड और दें, आप अपनी बात करें। मैं आपसे इसका जवाब दूंगी आपकी बारी पर। मोदी साहब से जब आप कोई फरमाइश करते हैं तो उससे पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेयरिंग इन सेरेमनी में, वो लाहौर भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद में उड़ी हुआ, उसके बाद में पुलवामा हुआ। आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमें पता चले, मेरे इलाके के जो लोग हैं दे केम टू मी एंड दे सेड कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो, तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा हमारा एक पैगाम लेते जाना, उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए, कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। अच्छा जी, चलें अतर, मैं आपसे इन तमाम बातों के जवाब लूंगी, आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अब मैं अली आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अली रजा, अब मुझे जरा बताया कि जैसा कि अरविंद ने कहा कि जी हिंदुस्तान की तारीख, मोदी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान की तारीख बड़ी पुरानी है, नरेंद्र मोदी तो यानी कुछ साल पहले आए हैं, तो कश्मीर की तारीख भी बहुत पुरानी है, कौमे मुत्तहिदा की करारदादें जो कि मंजूर हो चुकी हैं और हिंदुस्तान के बड़ों ने ही ये बात बोली जो कि झूठी था ना, यकीन दहानी करवाई कि जी हक़ खुदरादियत दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद अच्छा हक़ खुदरादियत दिया, उसके बाद काबिज़ होकर बैठ गए, जुल्म की दास्तानें वहाँ पर रकम करते रहे,
तो आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को कि कश्मीर का जो मसला है उसका हल क्यों नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान की जानिब से भी मामला बार बार हाईलाइट किया जाता रहा है, अभी बार बार हाईलाइट, खासतौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए हैं, वो बार बार इस मसले को हर फोरम पे उठाते हैं और बड़े दिल से बड़ी नीयत से उठाते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें देखती हूँ। ये मसला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इसमें इसकी जो वजूहत है वो देखती हूँ। वजूहत देखें, जो इंडिया ने और पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुए, इसको लेके यूनाइटेड नेशन में लेके केस जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, और जब उन्होंने वो केस पेश किया वहां पे, उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड नेशन में नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर जाके, इंडिया के अंदर और आलमी फोरम पे उन्होंने वादा किया था कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक, हक के खुदरादियत देंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये 1951 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, कमीशन भी बैठ गया, सब कुछ हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव भी मुकर्रर हो गया इसके लिए, राजकुमारी के लिए सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भारत ने उसमें भागना शुरू किया, जो जो असल जिस पे आना था कि राजपारी हो, लेकिन भारत नहीं माना। उसके बाद से पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है, और पाकिस्तान का स्टैंड आज भी वही है कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक, हक के खुदरादियत दे, जिसको भारत ने माना हुआ है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं। अब कश्मीरियों की बात, कश्मीरी जो है वो अमन से रहना चाहते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, जिस तरह एक हिंदुस्तानी गुजार रहा है, या एक पाकिस्तानी गुजार रहा है, या एक जो दुनिया में जो दूसरे लोग हैं, जिस तरह वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। किस स्थिति से आप देखें, एक तरफ तो भारत कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है, और उस अटूट अंग में जो कुछ वो कर रहे हैं, और खासकर ये 5 अगस्त के बाद से जो कुछ हुआ है, आप देखें कि आप आर्टिकल 370 को खत्म कर रहे हैं और 35A को खत्म कर रहे हैं, और ये मोदी साहब के मंशूर में था, उन्होंने वो अपने मंशूर का वादा पूरा किया। लेकिन देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में आवाम की राय लेनी पड़ती है, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन कश्मीर में क्या किया गया, एक्स्ट्रा फौजें भेजी गई, 9 लाख फौजी इस वक्त मौजूद है, जो पैरामिलिट्री और दूसरे, उन्होंने सबको बंद करके, लॉकडाउन करके, जेल में डाल के, तमाम जो इनके जो इंडिया के प्रो इंडियन पॉलिटिशियन थे उनको भी जेलों में और नजरबंद किया गया, और जो हुर्रियत के लीडर थे और जो कश्मीरी भी बोलता था उन सबको काट दिया। अब उसके बाद देखें कि भारत जो है वो एक साल हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वो कश्मीरियों की उस आवाज को खत्म नहीं कर सका। इसमें देखें, इस खत्ते में अमन तभी आएगा कि कश्मीरी जो मेन फ्रीक है, कश्मीरी एक कौम है, ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये 15 मिलियन इंसानों का मसला है, तो इसको भारत को चाहिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, इसका हल निकल सकता है, लेकिन इसका हल तभी निकलेगा जब आप टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कितनी दफा कहा है कि आप आए टेबल पे बैठे, कश्मीरी भी यही कहते हैं कि भाई आए। अच्छा, आपके जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आया कि टेबल पर आएंगे, टेबल पे बैठेंगे तो ही हल निकलेगा, टेबल टॉक ही, मुजाकरात ही किसी बात का पढ़ा लिखा हल होता है, लेकिन अब मुजाकरात के लिए क्यों वो आके नहीं बैठते, मुजाकरात से क्यों भागते हैं, टेबल टॉक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आर्गुमेंट्स की कमी, यानी वो अंदर से खुद भी जानते हैं कि हम वीक हैं, हमारे आर्गुमेंट कमजोर हैं, हम नहीं जीत सकते टेबल टॉक। लेकिन वो इसीलिए देखिए, वो अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है वीडियो का अंत, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा फिजा अकबर खान को टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल है, ये इतना बक 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 बकवास करती है कि आप सुन ही नहीं सकते, ऊपर से झूठ अलग, और इसके शो में जो 4-5 लोग आते हैं वो भी बड़े बकवास लोग, इन लोगों को अगर सच बताओ तो ये लोग उस सच की जगह अपना झूठ इतना बुरी तरह से काउंटर करते हैं कि वो झूठ भी सोचे कि यार क्या बोल रहे हैं यार ये लोग। अगर इनको बोलो कि दुनिया के 99% टेररिस्ट अटैक कहीं पर भी हो, अगर यूरोप में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, उसके पीछे एक ही तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये लोग कहते हैं टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। ऐसी बकवास ये हमेशा करते आए हैं और ऐसी बकवास ये करते रहते हैं।
आपने देखा होगा यहाँ पर इस वीडियो में ये लोग मोदी आरएसएस ये बकवास चीज़ें करते आ रहे हैं कि मोदी रिलीजन रिलीजन वाली पार्टी को भारत में वोट करके दे दिया। तो ये लोग तो इन्होंने रिलीजन के नाम पर मुल्क बनाया और रिलीजन के नाम पर इमरान खान बोलता है कि मैं पाकिस्तान को रियासत पौदीना या जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है वो बनाऊँगा ये बनाऊँगा और सब कुछ रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं और कहते हैं कि रिलीजन के नाम पर आपने पार्टी चुन ली। मतलब ये वो दोगले हैं जिन्होंने रिलीजन के नाम पर मुल्क बना दिया और इन्हें सारे मुल्क जहाँ पे ये जाते हैं या जहाँ पर ये नहीं रहते वो इन्हें सेकुलर चाहिए। इस तरीके की हरकतें इनकी हैं तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।